हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे रोटी का लजानिया, जो दिखने में तो यम्मी है ही और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए हम बनाते हैं रोटी का लजानिया। टमेटो प्यूरी बनाने के लिए एक टमाटर, 3 बड़े चम्मच टमेटो सॉस। जार में टमाटर डालेंगे। टमेटो सॉस 1/4 चम्मच, नमक 1/4 चम्मच, लाल मिर्च। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। मैंने 3 ठंडी रोटी ली है, आप ताजा रोटी भी ले सकते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे और 2 मिनट इसे पकाएंगे। सब्जी ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी क्रंची रखना है। हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर, टमाटर को भी 2 मिनट पकाएंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च को भी 2 मिनट पकाएंगे। आप ये जरूर ध्यान रखें कि सब्जियां ज़्यादा नहीं पकाना है। 1/4 लाल मिर्ची पाउडर डालना है, 1/4 चिली फ्लेक्स, 1/4 ऑर्गेनो, 1/4 चम्मच नमक डालकर मिक्स करेंगे। जैसे पिज़्ज़ा में सब्जी क्रंची रहती है, वैसे ही हमें रखना है। सब्जी हो गई है, गैस बंद कर देंगे। पैन में तेल लगाएंगे। अभी हमें पैन गैस पर नहीं रखना है। जो हमने टमेटो प्यूरी बनाई थी, वो 2 चम्मच डालकर अच्छे से फैला देंगे, ताकि रोटी नीचे से जले नहीं। इस पर हम रोटी रखेंगे, फिर से टमेटो प्यूरी लगाएंगे एक बार और अच्छे से पूरी रोटी कवर करेंगे। ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है, तो आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। हमने जो सब्जी बनाई थी, उसे लगाएंगे अब। थोड़ा सा चीज डालेंगे। हल्का सा ऑर्गेनो डालेंगे। चिली फ्लेक्स,
अब दूसरी रोटी रखेंगे इस पर। दूसरी रोटी पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि रोटी को पूरी अच्छी तरह से कवर करना है, अगर आप कहीं से छोड़ देंगे तो वहाँ से वो कड़क हो जाएगी। मैंने नॉनस्टिक फ्लैट पैन लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी फ्लैट कढ़ाई ले सकते हैं। सब्जी लगाएंगे, तीन से ज़्यादा रोटी नहीं लेना है। सब्जी में नमक पहले से डला हुआ है, इसलिए हमें अब नमक नहीं डालना है। ज़्यादा चीज़ से लज़ानिया बहुत हैवी बन जाता है, इसलिए मैंने कम डाला है। अगर आपको कम स्पाइसी चाहिए तो आप ऊपर से चिली फ्लेक्स नहीं डालें। लास्ट रोटी रखेंगे। मैंने लज़ानिया गैस पर बनाया है, आप इसे माइक्रो भी कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आप एक बार बनाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। सब चीज़ थोड़ी थोड़ी ही डालना है, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप चीज़ इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा मैं ज़्यादा चीज़ डालूँगी, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास प्लेन चीज़ था इसलिए मैंने यही डाला है। ये नाश्ता छोटों और बड़ों को सभी को बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी ताकि लज़ानिया यम्मी दिखे। ऊपर वाली रोटी की लेयर को आप चीज़ से अच्छे से कवर करें। गैस की फ्लेम स्लो करके नॉन स्टिक पैन रख देंगे। इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है, गैस की फ्लेम हाई बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। गैस पर चीज़ मेल्ट हो जाए तब तक ही हमें रखना है। 10 मिनट हो गए हैं, चीज़ मेल्ट हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर होने के बाद कट करेंगे।